अगर आप भी निकॉन Z50 लेके पछता रहे हैं तो रुकिए, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके कैमरे के लिए आपका प्यार और बढ़ा देगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और आप लास्ट में मुझे ज़रूर बताना कि ये यूज़फुल था या नहीं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मैं अपने कैमरे की पहले स्टोरी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कैसे मैंने निकॉन Z50 लिया था। तो मुझे चाहिए था एक ऐसा कैमरा जो कि अच्छी क्वालिटी भी दे और इसके साथ साथ उसका स्क्रीन जो है वो सामने की तरफ दिखे, क्योंकि आज तक मैंने देखा था कि सबका स्क्रीन जो है ऊपर की तरफ ही खुलता है, ठीक है। लेकिन मेरे साथ क्या हो गया कि मैं कैनन का ही तो सर्च करके गई थी कि हाँ यही लेना यही लेना, लेकिन जब मैं क्रोमा में गई तो वहाँ जो थे उन्होंने मुझे बोला कि निकॉन का ये Z50 बेस्ट कैमरा है, DSLR है, मिररलेस कैमरा है। तो कैमरे की मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन उनके कहने पे मैंने लिया कि ठीक है, अगर ये बोल रहे तो ठीक है। लेकिन मैंने साफ साफ बोला था मुझे स्क्रीन जो है वो दिखनी चाहिए सामने, नहीं तो मैं कैसे करूँगी, मुझे ब्लॉगिंग कैमरा नहीं चाहिए, मुझे मेकअप वीडियोज़ बनाने हैं। लेकिन उन्होंने कैसे भी करके मुझे कन्विंस किया कि ये कैमरा ही बेस्ट है, ये है वो है। तो उस टाइम मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया और मैंने तुरंत वो कैमरा ले लिया। फिर क्वालिटी और सब कुछ ठीक था, बस उसमें प्रॉब्लम क्या था कि अगर आप इस कैमरे को ट्राइपॉड पर लगा देते हो तो ये इसका स्क्रीन जो है वो नीचे नहीं आता था, आप हाथ में लिए हो तो स्क्रीन नीचे आ रहा है। तो इसमें यही प्रॉब्लम है, आपका जो स्क्रीन है वो नीचे की तरफ आता है, साइड में नहीं जाता है। तो मैं मोबाइल से आपको दिखा भी देती हूँ कि अभी क्या इशू था और अब मैं क्यों खुश हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो स्क्रीन है हमेशा सबके इस तरफ से निकलता है, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ करोगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, अगर आप इसको इस तरफ ऐसे रखोगे तो ये ऊपर की तरफ जाता है, अगर आप ऐसे रखोगे तो हमेशा कैनन का जो होता है स्क्रीन वो इस तरफ जाता है। इसमें क्या है ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब मैं अगर आपको इसको ओपन करके भी दिखाती हूँ, कनेक्ट कर दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या थी। तो सबसे पहले मैं इसको ही हटा देती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसका स्क्रीन जो है, इसका स्क्रीन जो है वो आता है ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। और अभी जो है ऑप्शन ये मैं अगर हटा देती हूँ, मैं पहले कैसे यूज़ करती थी, ये लेती थी और इसको इसमें लगा देती थी, ठीक है। तो अब मैं इसी में देख लेती हूँ कि क्या दिख रहा है। तो मैं इस तरीके से देखती थी बैक करके कैमरा से कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस टाइप से जैसे मैं अभी मोबाइल में देख रही हूँ। तो अब जैसा रिकॉर्ड हो रहा है देखते हैं। तो ये है स्मॉल ब्रेक जो कि निकॉन Z50 के लिए ही बना है। इसमें क्या होता है कि नीचे का ये जो पार्ट है वो चौड़ा होता है, तो उसकी वजह से टिल्ट नहीं होगा स्क्रीन। तो इसमें और इसमें ऐसा है कि ये आपका पार्ट ये पूरा लोहे का बना है, यहाँ पे आपको 9 डॉट दिए हैं जिनसे आप स्क्रू वो कर सकते हो, टाइट कर सकते हो, और एक यहाँ पे मेन स्क्रू दिया जिससे कि आप कैमरा को अटैच कर सकते हो, और यहाँ पे एक इसका ये जो भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, इससे ये टाइट होता है, ठीक है। तो ये इसमें मैगनेट लगा हुआ है और ये सेफ रहेगा। अब मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये वाला जो माउंट है ये मुझे जो बैक लाइट मैंने लगाया है उसके साथ में मिला है, तो इसी को मैं कैमरे में यूज़ कर रही हूँ। इसको निकालूंगी और इससे मेरा लाइफ काफ़ी इजी हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसका स्क्रीन जो है वो आता है ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। और अब और इसको इसमें लगा देती थी, ठीक है। ये लग गया। अब इससे क्या होगा कि आपका स्क्रीन ऐसे तो आ रहा है लेकिन ये नीचे नहीं जाता था, ये क्या हो जाता था, ये ऐसे। अब मुझे अगर पीछे से रिकॉर्ड करना है तो मैं कैसे देखूं, ठीक है। और अगर इसे मैं ट्राइपॉड पे इस तरीके से लगा देती हूँ तब तो बिल्कुल ही मुश्किल था देखना, क्योंकि ये घूमता ही नहीं था। तो इसी का सॉल्यूशन जो था ये है। ठीक है, इसमें घुमा दिया अच्छे से, ये बिल्कुल हो गया टाइट और ये मेटल का बना है, काफ़ी स्टडी है, तो आपका कैमरा गिरने का भी टेंशन नहीं होगा।
अब कैमरा को मैं अब हमें इसे इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है और पकड़ना है और इससे हमें टाइट कर देना है। अब आपका जो स्क्रीन है वो बहुत ही अच्छे से ये नीचे आ जाएगा। अब ये मुझे दिक्कत कर रहा है, अब इसका छोड़ो कैमरे को। इसको मैं इस तरीके से होल्ड कर दूंगी। अब आप देख सकते हो कि मुझे मेरा स्क्रीन भी दिख रहा है यहाँ पे और मैं अब आई मेकअप और सब कुछ कर सकती हूँ। मैं बहुत परेशान थी सच में इसकी वजह से कि मुझे कुछ नहीं दिखता था, मैं अंदाजे पे काम करती थी, इसलिए कभी कभी मेरा जो वीडियो है हमेशा कभी ब्लर हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन ये स्मॉल रिग लेने के बाद आज मैंने 3 वीडियो यूट्यूब वीडियो बनाए हैं, तो आप सोच सकते हो मुझे कितना सही लग रहा है ये लेने के बाद। मेरी लाइफ काफ़ी आसान हो गई इस स्मॉल रिग को लेने के बाद। तो आप कैनन और सोनी का भी कैमरा अगर लेते हो तो उसमें भी स्क्रीन जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, इसमें नीचे की तरफ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ट्राइपॉड अगर आप हल्का सा लेते हो, ठीक है, पतला वाला लेते हो, उसमें कैमरा आपका टिकेगा नहीं और उसमें भी बीच में ही वो माउंट दिया है तो बीच से स्क्रीन से होते हुए जाता है। तो स्मॉल रिग से क्या होगा, आपको साइड में भी ऑप्शन मिल जाते हैं तो आप स्क्रू लगा के और स्क्रीन में देख सकते हो। अभी मुझे ये कैमरा लेके बहुत पछतावा होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। और अभी स्क्रीन इसका नीचे है ना तो अब मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि अगर स्क्रीन इस साइड रहता है ना तो हम लोग ऐसे देखने लगते हैं, लेकिन अभी नीचे है तो मुझे पता है कि हाँ मेरा पोजीशन जो है वो ठीक है, मैं सामने कैमरे के देख रही हूँ, तो अब मुझे ये कैमरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है बस। हाँ, इसका रेट बताना था, तो रेट है इसका ऐसे तो 4000 इसका MRP है, लेकिन ये आपको दो जगह मिल जाते हैं, दोनों ही स्मॉल रिग का स्टोर का है, और एक है 3200 समथिंग का और एक है 3800 समथिंग का। ये स्मॉल रिग के नाम से ही है, विजिट द स्टोर लिखा हुआ है, तो समझ लेना कि वो स्मॉल रिग का ओरिजिनल है। तो स्मॉल रिग व्लॉगिंग माउंटिंग प्लेट फॉर निकॉन Z50 कैमरा LCN2525 इसका ये है। तो इसका MRP है 4000 जो कि मैंने लिया है 3150 में, और इसमें एक और ऑप्शन है जो कि है 3800 समथिंग में, तो मुझे दोनों में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं दिखा, तो मैंने 3150 का लिया और मुझे इसकी क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा लग रहा है। तो अगर आप देखोगे तो इस टाइप से रहता है, ठीक है। और मुझे अब ये वाला ट्रैपॉड भी अच्छा लग रहा है, ये भी लेने का मन कर रहा है, इसमें जो माइक है ये भी लेने का मन कर रहा है, तो अभी फ़िलहाल इतना ठीक। इसमें एक दिक्कत ये है कि जब आप ये लगा देते हो तो आप इसका बैटरी चेंज नहीं कर सकते, उसको पूरा खोल के ही करना पड़ेगा, और वो तो अगर आप ट्रैपॉड में भी लगाते हो तो भी वही है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, जितना परेशानी मैंने आज तक झेला इस कैमरे को लेकर ना, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसका बता दिया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी दोनों ही लिंक। तो अगर आपके लिए ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना, शेयर करना, और जो भी Z50 लिए पछताओ मत, मैं भी उनमें से एक थी, लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है और इस पर मैं अब और काम करूँगी। तो एक टाइम ऐसा था मैं इसको सेल करने वाली थी अभी कुछ ही महीने पहले कि ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन अब ठीक है। कुछ कुछ चीज़ के लिए कभी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी करना पड़ता है ताकि आप उसका जो है बेनिफिट उठा सको, जैसे कि एप्पल का होता है, उसका भी हर प्रोडक्ट महंगा होता है, तो वैसे ये है, इसका भी प्रोडक्ट काफ़ी महंगा है, लेकिन एक बार आप यूज़ करने लगो ना तो आपको काफ़ी सही लगेगा। तो बस वही चीज़ है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।